श्रीकृष्ण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। केवल दो ही बातें हैं, क्या हम नहीं है उसका त्याग करना और जो हम हैं उसको असर्ट करना, जिसको कहते हैं विधि निषेध। विधि माने है करना है, निषेध माने नहीं करना। जैसे धूम्रपान निषेध है तो किसका निषेध करना है? उसी का निषेध करना है जो हम नहीं है। फिर उसके लिए ये चिंतन करें कि हम क्या है, तो पता चलेगा बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। इस जगत में किसको जिसको हमने पकड़ के रखा है, क्या वो अपना है? यही बेवकूफी है। इसीलिए हमको चिदात्मा भावना का अभ्यास करना है। तो कहते हैं कब हमने कल देखा, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नम शांतम चिन्मात्रम अव्ययम् ब्रह्मैवाहमिति स्थित्वा मौनी स्वात्मसुखो भव। हम अपने आप को या तो मानो या तो जानो। आवाज में गड़बड़ी है भाई। हाँ अब बेटर। हाँ तो बाहर की बंद कर दो। जो यहाँ बैठे हैं उनको महत्व है, बाहर का क्या? बाहर तो पेड़ पौधे भी है। तो जो हम नहीं है उसका त्याग करना है, उसका असर सुकर। अब दोनों के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो पहले मानो। जब मानेंगे तभी तो प्रारंभ करेंगे। यदि मानेंगे ही नहीं तो शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हमको जो दे रहे हैं वो हमारे लिए ठीक होगा, ये मानते ही तो है, जानते थोड़ी है। यदि किसी डॉक्टर ने कुछ दिया हमको और हमारे मन में उस डॉक्टर के बारे में संदेह हो, पता नहीं इसको आता है या नहीं आता, तो जब हमने माना नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहले मानना है। इस मानने को, मानने की शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा युक्त, तो कहाँ से श्रद्धा शुरू करें? जिस प्रकार से हमने अपने आप को श्रद्धा से ही माना है कि मैं अमुक का लड़का हूँ, मैं अमुक देश का हूँ, ये किसको मालूम है? इसी प्रकार से पहले मानना है, और मानने में ये अभ्यास करना है कि दिक्कालादव छिन्नम शांतम चिन्मात्रम अव्ययम्। मैं देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसके द्वारा परिच्छिन्न नहीं हूं। अब ये कह तो दिया, ये मान लिया, अब इसको जानो। पूरी साधना ये दो ही चीज है, मानो जानो, मानो जानो, मानो जानो, तीसरी बात कोई नहीं है। तो जब हमने मानना शुरू की, जानना शुरू करो, हम देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, अच्छी बात है। अब देश से परिच्छिन्न नहीं है माने क्या? देखो, काल से परिच्छिन्न नहीं है माने क्या, इस पर चिंतन करें। तो जैसे जैसे ये चिंतन सूक्ष्मता से बढ़ता है तब अपने अंदर की गांठें खुलने लग जाती है। जैसे अपने गायत्री मंत्र के पहले ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह जो मंत्र आते हैं उसमें पहले जो तीन है वो है जिसको कहते व्यावृति। अब इसमें तुमको क्या हो गई परेशानी? हल्का
अच्छा, तो इसका जब आप चिंतन करोगे, चिंतन कब होगा? जब आपने दुनिया का चिंतन बंद कर दिया है तब होगा। तो भू भुवः स्वः, सुन लिया, मान लिया, आप जानो भू स्थूल जगत पृथ्वी, भुवः सूक्ष्म जगत अनुभव, स्वः किसको अनुभव हो रहे, तो तीन बातें खुल गई। अनुभूति का जगत भू, जगत का अनुभव भूवः, स्वः किसको हो रहा है, मुझे हो रहा है। आप ये तीनों का फिर विश्लेषण शुरू कर दें। जब ये स्थूल जगत नहीं होता स्वप्न सुषुप्ति में, तब भी हमको अनुभव होता है। देखो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्रह्मात्म भावना का अभ्यास। और ये कौन कर पाएगा? जो दुनिया से हट गया, बहुत हो गया है दुनिया में। देखो पहले बचपन में ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की, ये मेरी लड़के, ये मेरी लड़की, कितने हैं यार? चार हैं। और वही बच्चे बड़े हो गए, बड़े होने के बाद एक्सपोर्ट कर दिए, और फिर वहाँ जब जाते हैं गणित बदल जाता है, शी इज माई मॉम, ही इज माई डैड, पोजिशन चेंज हो गई। कौन किसका है यहाँ? जैसे ध्यान से सुनना, जैसे बचपन में खेलने के लिए हमको खिलौने दिए जाते हैं ना, खिलौने से खेलो, तो जिंदगी भर खिलौने खेलते रहेंगे, बड़े भी तो होंगे ना। इसी प्रकार से बुढ़ापे में पोतों के रूप में खिलौने दिए जाते हैं, तो खेलो उनके साथ, लेकिन फिर जिंदगी और पकड़ के मत रखो, खिलौना बड़ा हो गया निकाल दो। ये जो दृष्टि जब प्रकट हो जाती है, तब देखो आप जगत में रहोगे लेकिन कहीं चिपकोगे नहीं। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मी वाहमिति स्थित्वा, तो यह जो सबका आधार है, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मौनी। अब वो मौन को प्राप्त हो गया, और स्वात्म सुखो भव, फिर हम अपने स्वरूप आनंद में वापस लौट के आएंगे। अब इसका कारण बताते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते। अज्ञान कलना यावत यावत अब्रह्म भावना यावत अवस्था जगत जाले दृश्य यावत च सत्यता देहे यावत अहम भाव तावत चित्त आदि कल्पना। जब तक के हम इस गलत फहमी में अज्ञान में फंसे हैं, और जब तक के हमने अपने आप को अनंत रूप से स्वीकार नहीं किया, जब तक के हमने अपने ये जगत को सत्य मान के रखा है और जगत को दृश्य जगत को ही रियल माना है, जब तक के हमारे देह में आत्मभाव है मैं देह हूँ, तब तक के आपके चित्त का नाश नहीं हुआ। सुषुप्ति अवस्था में देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं होता, हम होते हैं। देखो तो जितनी साधना है ये मणिराम को ठिकाने पर लगाने की है, और कुछ नहीं। फिर भोगेशु भोगेशु अनास्था अनास्थ चित्तस्य शीतला मलवृत निवृते छिन्नाशा पाश जालस्य क्षीयते चित्त विभ्रमः। फिर भोगेशु अनास्था, कितने भोग करेंगे, कितने भोग करेंगे, छोटी छोटी चीजों को लेकर कितने फंसे हैं। हमारे महात्मा जी कहते थे इस दुनिया में इतने चने हैं,
कि खाते जाओ दांत खत्म हो जाएंगे, चेनी खत्म नहीं होगी, कितना भोग करेंगे। जो व्यक्ति को भोग से ऊब नहीं जाता वो अभी मनुष्य नहीं है, और इसीलिए हमको धर्मशास्त्र के नियम बताते हैं। फिर शीतलामल निवृत्त निवृत्ते, और जिसका मन शांत रहता है, सहज शांत रहता है, मन के अशांति का कारण हमने मन में किसी को प्रवेश दे दिया है, और मन में वस्तु प्रवेश करती है जब हमने किसी को महत्व दिया है, हमने जिसको महत्व दिया है वही वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है। ध्यान से सुनना, वो वस्तु मन नहीं है, मन से अन्य है, जिसको कहेंगे फॉरेन बॉडी। जैसे पैर में कांटा चला जाए तो कांटा तो फॉरेन बॉडी है, तो जैसा कांटा जाएगा तो वहां अब हमारे जो टिश्यू है पैर की वो रिएक्शन शुरू करेगी, फिर वहां थोड़ा इन्फ्लेमेशन होगा और पेन होगा, थोड़ा एकदम टेंडर हो जाएगा, दुखेगा, तो करेंगे क्या, उस फॉरेन बॉडी को निकाल दो। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जिसको हमने महत्व दिया है फॉरेन बॉडी, वो मन में घुसी, वहां इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया, वहां दर्द शुरू हो गया, वहां टेंडर शुरू हो गया। जब तक के ये फॉरेन बॉडी रहेगी तब तक के आपके मन में शांति नहीं है, फिर करें क्या, निकाल डालो। और यही हम करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि हम यही कर रहे हैं। समस्या ये है, कैसे, सुबह उठ करके चाय चाहिए तो चाय का महत्व हमारे मन में घुस गया, सुबह 4 बज गए, घंटी शुरू हो गई, चाय 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 चाय। ये जो विक्षेप है दुख का है इच्छा का, ये फॉरेन बॉडी अंदर जाने से, फिर हम क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी को निकाल देते हैं, एक कप चाय पी लेते, हाँ मजा आ गया। अरे भैया वो चाय से नहीं मजा आया, ये मन शांत हो गया इसलिए मजा आया। इसलिए यहां जब कहते हैं भोगेशु अनास्त चित्तस्य, भोग में कहीं भी इंटरेस्ट ना, और शीतला मलम निवृत्ते, फिर छिन्ना आशा पाश जालस्य, अब जगत में किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष अनुभूति को परमात्मा कहते हैं। रूप रंग को देखने के लिए दृष्टि की अपेक्षा है, शब्द को ग्रहण करने के लिए श्रवण शक्ति की अपेक्षा है, अपना जो होना है इसके लिए किसी भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन किसी की भी अपेक्षा नहीं है। जितने हम निरपेक्षता का अभ्यास करेंगे उतने हम अपने स्वरूप के पास पहुंच जाते हैं। मैं पिता इसलिए हूं क्योंकि पुत्र है, तो पिता होने के लिए पुत्र की अपेक्षा है, और फिर पुत्र से सुख प्राप्त हो ये दूसरी अपेक्षा, फिर उसकी शादी करा दो तीसरी अपेक्षा, फिर उसकी बहू मेरी बात माने चौथी अपेक्षा, यही से संसार शुरू हो जाता है। देखो महात्माओं, इसीलिए कहते हैं छिन्ना आशा, छिन्ना आशा पाश जालस्य क्षीयते चित्त विभ्रमः। तो जैसा जैसा हम अभ्यास करेंगे चित्त का ये जो भ्रम है एकदम शांत हो जाएगा, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। ये सब कोई नई बात हम आपको नहीं बता रहे, आपको सबको पता है, लेकिन ऐसे होता है ना, जैसे एक बार एक महात्मा जी के पास एक माँ अपने बच्चे को ले गई और कहती है महाराज जी इसको बताइए ये बहुत मीठा मीठा खाता है, चीनी खाता है। तो बोले ठीक है अगले संडे ले आओ, 3-4 संडे चक्कर कटवाए, 5वें संडे बताया बेटा मिठाई मत खाना,
अब वो माँ गुस्सा कर गई महात्मा जी पर, इतना ही आपको बताना था तो पहले बार क्यों नहीं बताया, पांच चक्कर कटवाए। तो महात्मा जी कहते हैं देखो मैं उसको कहूं कि मिठाई मत खाओ, उसके पहले कम से कम एक हफ्ता मैं मिठाई नहीं खाऊं तब मुझे कहने का अधिकार है। हमारे शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं होता, इसीलिए बच्चे हमारी बात मानते नहीं। देखो इसीलिए जिसका अंतकरण इस प्रकार से समझदारी से जीता है तो चित्त के द्वारा जो भ्रम है वो भ्रम नष्ट हो जाएगा। कल हमने आपको एक बात बताई थी, हमको वो बात कल परसों प्राप्त हो गई, यही बड़ा आनंद आया हमको उस समय। देखो तन मात्र ये हमने हजार बार पढ़ा होगा, शब्द तन्मात्र है, रूप तन्मात्र है, माने निर्विशेष है, कोई भी रूप रूप ही है, लेकिन हम फंस जाते हैं लंबा है चौड़ा है गोल है मोटा है गोरा है काला है, ये विशेषता के रूप में। शब्द सभी शब्द ही है, चाहे मैं बोल रहा हूं चाहे गधा बोल रहा है, शब्द ही है, लेकिन शब्दों में विशेषता आ जाती है, ये प्रवचन है वो गधे का है, संसार स्वरूप। ज्ञान की निर्विशेषता जब सिद्ध हो जाती है, इस निर्विशेष भान को कहते हैं परमात्मा का दर्शन। कोई विशेषता नहीं, आपका ये जो अनुभव है ना इस समय, इसको कहते हैं भगवान का दर्शन। लेकिन हमको ये विशेषता ने ऐसा जकड़ लिया है, हर चीज की विशेषता, मुझे तो कृष्ण के ही दर्शन चाहिए राम के नहीं चाहिए, मुझे तो राम के ही दर्शन चाहिए हनुमान जी के नहीं चाहिए। भगवान कहते गीता में अवजानंती माम मूढ़ा मानु चिंतन माश्रिता, जो मूढ़ है वो ये विशेषता में फंसे हुए है इसीलिए मुझे नहीं जानते। तो अंतर्मुखतया सर्वम चिद्वन्न चिद्वन्न त्रि जगत तृणम युवतो अंतर्निवर्तन्ते मुने चित्तादि विभ्रमाः चित्तम ज्ञानाग्निना दग्धम न भूयः परिरोहति। अब यहाँ चिंतन के महत्व के मान बताते हैं। अंतर्मुखतया सर्वम चित अग्नौ त्रि जगत तृणम युवतः, जो व्यक्ति अंतर्मुख हो गया, अंतर्मुख हो गया मैंने डिप्रेशन में नहीं चला गया, अंतर्मुखी होना दो प्रकार से है, एक तो है वैराग्य से और दूसरा है डिप्रेशन से। दोनों जगह में व्यक्ति जगत से उपरत हो जाता है। जो डिप्रेस है उसको अब जी के क्या करेंगे, मरते भी नहीं ऐसे लोग। देखो ये अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म का आपको उदाहरण चाहिए तो एक उदाहरण देते आपको। जब आप किसी हिल स्टेशन पर अपने फैमिली के साथ बिना कंजूस बने जब वैकेशन के लिए जाते हो, उस समय आपके माइंड का मोड कौन सा होता है? पैसा कमाना कि पैसा खर्चा करना, कुछ बचाना कि खर्चा करके निकल जाना? मालूम है वहां रहना नहीं है अपने को, चार छह दिन के लिए आए हैं, मौज में रहो, वहां दुख क्या करना है? यही स्थिति जीवन में 24 घंटे रहती है, उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य जगत में आनंद से रहो लेकिन किसी की इच्छा मत करो, इच्छा रहित भोग को परमात्मा कहते हैं। और ये किसके साथ हो सकता है? जब हमने जाना है
ये दुनिया एक प्रतीति मात्र है, जैसे इंद्रधनुष एक प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। तो इंद्रधनुष को देख के हम खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी ये सोचा है इंद्रधनुष एक टुकड़ा काट के ले जाऊं? जिस आनंद में इच्छा का निर्माण नहीं होता, उस आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। देखो, हमारा आनंद इच्छा से युक्त है। एक रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा है, देखो कितना सॉलिड है, इसमें हवा कम है, अच्छा है, फिर एक और चाहिए, एक और चाहिए। कितना खाओगे? बंगाली होगे तो भी। देखो, इसीलिए वह आनंद जिसमें इच्छा की कालुष्य नहीं है, वो अपना स्वरूप है। तो युवतो अंत निवर्तन्ते मुने चित्त चित्तानि विभ्रमाः। तो जितने भी चित्त के द्वारा भ्रम निर्माण हो गए हैं, वो सब के सब शांत हो जाते हैं। और ज्ञानाग्निना दग्धम चित्तम न पुनः परिरोहती। और समझदारी के साथ जिसने अपने मन को मार दिया है, ध्यान से सुनना, मन को मारना पड़ता है इसके द्वारा, ज्ञान की अग्नि के द्वारा। कैसे मारे? हम जो जानते हैं, दारू ड्रग लेकर के मन को मार देते हैं, वो नहीं। मन को मारना माने समझदारी से। हमारे मन के दो पहलू हैं। एक पहलू है, मन के द्वारा ही हम किसी वस्तु व्यक्ति का दर्शन करते हैं, और उस वस्तु व्यक्ति का दर्शन करने के पश्चात उस वस्तु व्यक्ति के बारे में हमारे मन से भिन्न भिन्न विचारधाराएं प्रकट हो जाती है। वो सुंदर है, वो सुंदर नहीं है, वो आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, वो वस्तु सुख का साधन है, सुख का साधन नहीं है, इसीलिए वो वस्तु मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। When perception is followed by projection, संसार begins। मन को मारना माने मन का ये दूसरा जो भाग है, दर्शन के बाद उस पर रिएक्शन करना, इसको खत्म करना। ऐसा जो है, ऐसा जिसका मन जल गया है, मर गया है, वो फिर इस जगत में विषयों का, व्यक्तियों का, देश का, काल का कहीं गुलाम नहीं बनता, ना पुनः परिरोहति। अब यहां बहुत सुंदर मान बताते हैं वशिष्ठ जी, सर्वेषामपि जीवानां स्थिति एषा चित अव्यया किंतु अबोध अबोधान अवश्य सर्वे कृपण काम गता। ये जो कहानी है, ये केवल मेरी तेरी नहीं है, ये हर एक की है। देखो, कोई भी बल्ब रहे, चाहे भगवान के सामने भगवान को प्रकाशित करने वाला बल्ब रहे, या टॉयलेट में गंदगी को प्रकाशित करने वाला बल्ब रहे, सब में सिद्धांत एक ही है। देखो, लेकिन मंदिर का बल्ब अपने को बड़ा अच्छा समझने लग जाता है। देखो, मैं बड़ा भाग्यवान हूं, मैंने पिछले जन्म में बहुत दान धर्म किया था, बड़ी तपस्या करी थी, इसलिए इस जन्म में मैं भगवान के सामने खड़ा रहता। वो पापी होगा, टेररिस्ट होगा, जा देखो गंदगी। अब देखो, भगवान के विग्रह को प्रकाशित करने से प्रकाश पवित्र नहीं होता, और गंदगी को प्रकाशित करने से प्रकाश गंदा नहीं होता। कितनी सहज बात है, कारण सिद्धांत एक ही है। क्या स्त्री रहे पुरुष रहे, समझदार रहे बेवकूफ रहे, ज्ञानी रहे अज्ञानी रहे, संसारी रहे सन्यासी रहे, सब में सिद्धांत एक ही है, सिद्धांत अलग नहीं है। इसीलिए कहते हैं सर्वेषाम अपि जीवानां स्थिता एषा चित अव्यया।
यह जो चिन्मय सत्ता है ये सब में सामान्य है, कोई अलग नहीं है, लेकिन किंतु अबोधवशात, क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना नहीं है। दो बातें हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है बोध। आप जो सुन रहे हैं उसको ज्ञान कहते हैं, और आपका जो होना है वो बोध है। तो हम लोग ज्ञान में ही फंसे रहते हैं, ज्ञान का त्याग करके बोध में निष्ठा प्राप्त करना यही साधना की पराकाष्ठा है। इसीलिए किंतु अबोधवशात अस्याः सर्वे कृपणताम गताः, और इसीलिए सब के सब दुनिया के लोग दुखी रहते, कृपण है। कृपण का तात्पर्य है फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड का तात्पर्य है अपने पर तरस खाते हैं। ये बात समझ लेना, कभी भी अपने पर तरस मत खाना। अपने पर तरस खाना ये भगवान का सबसे बड़ा अपमान है। और ये कब होता है? जब हम अन्य के कारण दुखी होते हैं। किसी के भी कारण दुखी मत होना। जो आदमी दुखी होगा वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा करनी तो प्रसन्न चाहिए आदमी। ये तो कोई आपकी सेवा कर रहा, स्वामी जी आपके लिए क्या ले आऊँ, मेरे लिए हिमालय ले आओ। अच्छा हमें, लेकिन मैं उठाने से कोई बताएगा उसको कुछ काम? सेवा करने वाला प्रसन्न चाहिए, स्वस्थ चाहिए, उत्साह से युक्त चाहिए। देखो ऐसे मरे 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 लोगों से कुछ नहीं होता दुनिया में। कृपणताम गता अज्ञानम आपदाम निष्ठा काही नापद जानताम इयम संसार सरणी वहती अज्ञ प्रमादतः। कहते हैं अज्ञान आपदाम निष्ठा, यह जो हमारा गलत अपूर्ण ज्ञान है यही सभी दुखों की नींव है। सभी का सभी दुख यही से प्रारंभ होता है। हमारे पंचदशी में एक कथा आती है, एक आदमी ने दूसरे को परेशान करने के लिए बताया, भाई मैंने सुना है आपका लड़का जो है अमेरिका में उसका बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया। अब जैसा इस आदमी ने सुना तो शांत रहेगा, हो गया दुखी, क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया, पत्नी को देखो उसने ऐसा कहा है। पत्नी शांत होती है, बुढ़ापे में पति एक्साइटेड होता है, शांत बुढ़ापे में पति बैलेंस होती है, बुढ़ापे में पति का बैलेंस टूट जाता है। बुढ़ापे में पत्नी जो होती है उसको कॉन्फिडेंस होता है, और पति को कॉन्फिडेंस जीरो होता है। इसीलिए जब भी बाहर जाते हैं तो हर बार पूछते हैं मैं ये पैंट पहनूं या वो शर्ट पहनूं, तो वो कहती है बिना कपड़े पहन के जाओ ना। तो उसके पत्नी ने कहा एक्साइट होने की क्या जरूरत है, फोन करके देखो ना। हाँ 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 फोन किया, यहाँ का दिन वहां की रात। तो लड़के ने फोन उठा के डांटा, कितने बार बताया इस समय फोन मत किया करो। अच्छा अभी जिंदा है। जो नहीं है उसको लेके दुख हो रहे हैं, अज्ञान कलुषम। इसीलिए कहते हैं अज्ञान आपदा निष्ठा, और फिर आगे कहते हैं काही नापद जानता, क्योंकि इन्होंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है। इयम संसार सरणी वहती अज्ञ प्रमाद था, तो ये संसार जो चल रहा है ना ये अज्ञान के प्रमाद के द्वारा चल रहा है। प्रमाद शब्द को ठीक से अर्थ समझ लेना, मद इस धातु से ही प्रमाद बनता है। मद माने एकदम आदमी को मद चढ़ गया, मद से ही मादा बनता है, मद से ही मादी बनती है, मद से ही प्रमाद बनता है। प्रमाद माने वही गलती हजार बार करने की एक्सपर्टाइज, उसको कहते प्रमाद। वही गलती हजार बार करेंगे। हमने कौन सी गलती करी है? मैं देह हूं इस दृढ़ निष्ठा से जी रहे हैं, इस गलती को सुधारो। आपके सब प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाएंगे।
केवल अभ्यास ही करना है और कुछ नहीं, केवल अभ्यास के द्वारा ही हमने अपने आप को देह माना है। देखो जैसे हमारे बंबई में सभी प्रकार के लोग हैं, गुजराती है, मारवाड़ी है, बिहारी है, यूपी के है, दक्षिण के है, लेकिन बचपन से उनके दिमाग में ऐसे ठोक ठोक के भर दिया है कि मैं तमिलियन हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ। तो वहाँ एक दो नहीं तीन चार पीढ़ियाँ रहने के बाद भी उनको पूछो आपको रे हम गुजराती हैं, अरे यार तू यहाँ पिछले तीन जनरेशन से रह रहा है फिर भी महाराष्ट्र नहीं बना हो। देखो यह जो हमने अपने आप को पकड़ के रखा है ना, इसका हमको त्याग करना है। आगे कहते हैं असंविद्यन संविद्यन अपरामृष्टम शांतम सर्वात्मकम चयन तत्सच्चिदा भासमा अस्तिह कलनोज्जितम। संविद्यन अपरामृष्टम, ध्यान से सुनना, जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद नहीं होता उस ज्ञान को कहते हैं अपना स्वरूप। अब इसको हम समझाने के लिए हमने एक उदाहरण दिया था, आप लोग कई बार सुनते हो तो पता होगा आपको। एक बार हम फ्लाइट से आ रहे थे लंदन से बम्बई, तो वहाँ टॉयलेट के पास खड़े थे, हाथ पैर सीधे कर रहे थे। उतने में एक सज्जन आए और हमको पूछते एक्सक्यूज मी, जब फ्लाइट में बैठते हैं तब अंग्रेजी बोलना पड़ता है भले आए ना आए, एक्सक्यूज मी, मैंने ठीक है एक्सक्यूज। बोले कहते आर यू ए स्वामी, अब क्या उत्तर दूँ उसको, मैं चुप रहा। फिर आर यू ए स्वामी, हमने कहा एनी ऑब्जेक्शन, और फिर ये पतित पावन सीताराम पीछे मुड़ के देख रहे अपनी महारानी को, महारानी का इधर आओ, उनके चेहरे से एक्शन से मैं समझ गया क्या करती थी, इधर आओ आपको कुछ आता ही नहीं, आ जा। वो अपने बिचारे सिंपल पहुंच गए। अच्छा वहां पहुंचने के बाद ये महारानी आई और आकर के फिर हमको कहती एक्सक्यूज मी डू यू नो दिस अनुभवानंद ही लुक्स लाइक यू। तो मैंने उनको कहा यस नो, यस नो, हाँ कैसे जानता हूं इसलिए यस, आप जैसी उसको अलग से जानती हो वैसा नहीं, हम आपको पूछेंगे क्या आप अपने को जानते हो तो आप क्या कहोगे, हाँ जानता हूं। लेकिन जैसे जगत के वस्तुओं में अनात्म भाव होता है, अपने जानने में अनात्म भाव का निर्माण नहीं होता, इसीलिए वह ज्ञान जिसमें ज्ञेय और ज्ञाता इनका अभाव है वही अपना स्वरूप है। यदि ये सिद्धांत गले उतर गया हो तो आपके अनेक जो प्रश्न है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। कौन से प्रश्न है, कल हम बैठे ध्यान के लिए लाइट आया था लेकिन फिर बाद में कभी लाइट आया ही नहीं। एक सिद्धांत आपको बताते हैं, थम रूल, जो भी अनुभव आके चला जाता है वो मन का खेल है, कोई भी अनुभव। जागृत आके चली जाती है मन का खेल, सपना आके चला जाता है मन का खेल, सुषुप्ति आके खत्म हो जाती है मन का खेल, समाधि लग के टूट जाती है मन का खेल। इन चारों में एक तत्व ऐसा है जो कहीं जाता भी नहीं आता भी नहीं, जिसने सब कुछ आ रहा है जा रहा है। जैसे आकाश में सब कुछ आता जाता है, आकाश कहीं नहीं आता जाता, थोड़ा सा चिंतन करने का अभ्यास करना है। एक ग्लास लिया आपने और उसमें
क्या है? आकाश है। वो ग्लास को हिलाया, जब ग्लास को हिलाया यहां वहां, तो उसमें का आकाश हिल रहा है क्या? अच्छा, फिर उसी ग्लास में थोड़ा पानी डाला। पानी डालने के बाद अंदर का पानी यहां से वहां हिल रहा क्या? हाँ, यदि आकाश नहीं हिल रहा है तो पानी क्यों हिल रहा है? क्योंकि पानी कहाँ है? आकाश में ही तो है, तो आकाश तो नहीं हिल रहा है, तो पानी क्यों हिल रहा है फिर यहां से वहां? तो हमने यहां से ग्लास उठाया, वहां गए तो पानी यही रहना चाहिए था ना, ऐसे नहीं होता क्यों? चिंतन करो तब पता चलेगा वो ग्लास भी आकाश में ही है। ये सब कुछ केवल शुद्ध चेतना में है। इस सूक्ष्मता को कहते हैं योग वशिष्ठ का चिंतन, जो भगवान राम को वशिष्ठ जी ने दिया था। कब दिया था? जब भगवान राम की उम्र 15 साल के थी, टीनेजर थे। इसीलिए वो ज्ञानी होकर के पूरे रामायण की कथा उन्होंने करी। तो जीवन मुक्त पुरुष यदि कोई चाहिए तो भगवान राम थे। और ऐसा ही उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया था। कब किया था? बुढ़ापे में। आपको सबको पता है भगवत गीता का उपदेश जब हुआ था तो भगवान कृष्ण की उम्र 89 साल की थी, बुढ़ाओ थे, और अर्जुन की उम्र 86 उम्र की थी। जितने भी युद्ध होते हैं बुढ़ाऊ लोग करते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, बुढ़ाऊ प्रॉब्लम खत्म निर्माण करते हैं। देखो पूरे जगत में देखो आप। इसीलिए यह ज्ञान जितना हम सूक्ष्मता से ग्रहण करेंगे उतना हम इस संसार से अपने आप को मुक्त रखेंगे। अब जिस अविद्या के कारण ये होता है इसके बारे में आगे बताते हैं। समुदेति स्वतस्तस्मात् कला कलन रूपिणी सूक्ष्मा मध्या च स्थूला च च इति सा कल्पते त्रिधा। अब यह जो अविद्या है ये 3 प्रकार की है, एक स्थूल है, एक मध्य है और एक सूक्ष्म है। कौन सी है? सत्व रजस तम इति जैवेश प्रकृति स्मृता। और ये तीनों के फिर 3 प्रकृतियां है, सत्व रजस तमस एवं संस्कृति जंतो हो अस्या पारम परम पदम। ये 3 चीजों में 3 प्रकार की अविद्या, सूक्ष्म स्थूल और मध्य, और 3 गुण सत्व रजस तमस, 3 × 3 9, ये 9 प्रकार के चक्कर में हम लोग फंसे हुए और इसके परे हमको जाना है। कैसे फंसे हैं? अत्र ते तू त्रय प्रोक्ता गुणास्ते त्रिधा स्मृता नवधैव विभक्तेयम् अविद्या गुण भेदतः सात्विकस्य अस्य भागस्य नागा विश्व विद्याधरा तमः रजसु मुनया सत्सिद्धाः सत्वं देवा हरादयः। ध्यान से सुनना, ये जगत में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जीवन होता है। पहला है यह जो सत्व है, परमात्मा है, इसके इसका जो सत्व भाग है उसमें जो तमोगुण से प्रभावित है उनको कहते हैं नाग विद्याधर इत्यादि। हम जो जानते हैं उतना मात्र संसार नहीं है। भूर्भुवस्वहा महाजनहा तपहा सत्यम, ऊपर के लोगों में अतल वितल तलातल रसातल पाताल महातल, ये नीचे के लोगों में 14 भुवन है। इन 14 भुवनों में जीवन है। ऐसे अनेक भुवन है जो हमको पता नहीं है, जहां केवल हवा खाने से पेट भरता है। देखो अभी हमारे लोगों के जानकारी में क्या है, ये जो मेंढक होते हैं गर्मी में कहां चले जाते हैं? थोड़ी बारिश आ गई ड्राउन ड्राउन शुरू हो गए, कहां से पैदा हो गए? क्योंकि जहां गर्मी शुरू होती है ये मेंढक महाराज मेडिटेशन में चले जाते हैं। मेंढकों के मेडिटेशन को हाइबरनेशन कहते हैं। और जैसे योग्य समय आ गया फिर उन्होंने अपना मेडिटेशन छोड़ दिया, चलो चाय पीते। देखो
जब ये मेंढक 6-6 महीने बिना खाए बिना पिए बिना सांस लिए रह सकते हैं, तो वो भी तो जीवन है ना। इसी प्रकार ये मच्छर देखो कहां से आते हैं। तो अनेक प्रकार के जीवन है। तो कहते हैं जो तमो गुण से प्रभावित है वो नाग विद्याधर इत्यादि है, जो रजोगुण से प्रभावित है वो है मुनि सिद्ध। देखो ये सिद्ध महात्मा जो होते हैं ना, ये हमेशा दुनिया का भला करने में लगे रहते हैं। इसको आशीर्वाद दे, उसको शाम दे, यहां चले जाओ आपकी इच्छा पूरी होगी, फिर वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि ये भगवान मेरी सांस को मरवा दो, कुछ भी करो, मैं उसके लिए उपवास करने को तैयार, एक टांग पर खड़े रहने को तैयार, उसको मरवा। फिर सांस जाती है उसी भगवान का, भगवान इसको जरा ठिकाने पर लगाओ, जैसे आप हंसे भगवान भी हंसते हैं। पूरी हमारी जिंदगी इच्छा को पूरा करना इसी में लगी हुई है। और कहां जाएंगे, ये सिद्ध महात्मा में सब शक्तियां है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को अपने मन को नियंत्रित किया है, इसीलिए जब वो कुछ कहते हो जाता है। इसीलिए साधु संतों के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक आध बार वो कुछ कहे, साधु संत क्यों, साधारण व्यक्ति ले लो। कोई व्यक्ति बहुत ही दुखी हो गया हमारे कारण, बहुत दुखी हो गया, और अति दुख से प्रभावित व्यक्ति जब उसके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं तो उसके द्वारा हमारा सत्यानाश डेफिनेटली होता है। क्यों, आदमी जितना ज्यादा दुखी होगा उतना एकाग्र होता है। देखो इसीलिए ये जो सिद्ध महात्मा होते हैं, इन्होंने प्रकृति को पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया है, उसके कारण उनके मन की जो अनंत शक्तियां बिखरी हुई थी अब वो एकत्र हो गई है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें जब आती है तो जलाती नहीं, लेकिन वही यदि एक लेंस लगा लो कॉन्वेक्स लेंस, तो वो इकट्ठी होकर के इतनी तेज हो जाती है कि वहां जला देगी। इसी प्रकार से हमारी मन की अनंत शक्ति है, इस अनंत शक्ति को यहां सिद्ध महात्मा लोग पूरा अपने वश में कर लेते हैं, और ये हर एक के बस की बात नहीं है। और इसीलिए उनको वह शक्ति प्राप्त हो गई, तो जो कहेंगे वो हो जाता है। आपने सुना होगा कितने महात्माओं का कहते, बेटा कोई बात नहीं, अगले बार मिठाई ले आना, हो जाएगा बच्चा, और हो जाता है। देखो तो ये जो है ये सत्व के साथ रजस मिला हुआ है, ऐसे ये सिद्ध महात्मा मुनि इत्यादि होते हैं। सत्वम देवा हरादयः, और जिसमें सत्व गुण का प्राधान्य है उसमें ये जितने भी देवता है, हमारे शास्त्रों में कहते हैं 33 कोटि देवता। कोटि का तात्पर्य हम लोगों ने करोड़ कर लिया है, ये करोड़ गलत ट्रांसलेशन है। कोटि माने क्लास, ये उच्च कोटि के गायक है, ये उच्च कोटि के प्लेयर है। कोटि माने क्लास, तो 33 कोटि का तात्पर्य 33 प्रकार की शक्तियां है जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत को धारण किया है। उसमें आते हैं 12 आदित्य, 11 रुद्र, उसके बाद 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, ये मिलाकर के 33 हो जाते हैं। इन शक्तियों के द्वारा इस जगत को मेंटेन किया गया, उसको कहते हैं देवता। तो जो देवता है वो सत्व गुण प्रधान है, सत्वम देवा हरादयः, इसी में आ जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, सब इसी में आ जाते हैं। फिर परमात्मा क्या है, शुद्धम सत्वम ही अविद्यायाः भागो विद्येति कथ्यते तिष्ठन्ति ज्ञानिनो मुक्ता यावत् देहं जगत्स्थितौ। और जो ये 3 गुणों के परे गया है यही ज्ञानियों की स्थिति होती है। भगवद गीता का 14वां अध्याय है, उसमें अर्जुन का प्रश्न है, जब अर्जुन ने 3 गुणों की कहानी सुनी तो
ये बताइए भगवान, ये तीन गुणों के परे कोई जाता भी है, और जाता है तो कैसे जाता है, क्या उसके लक्षण है? तो भगवान बताते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण, मोह माने तमोगुण। जिसके जीवन में तीन गुणों का आना जाना है और इसके द्वारा जो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, वो तीन गुणों के परे चला गया है। देखो, शब्द है उसके द्वारा प्रभावित होना, शांति है उसके द्वारा प्रभावित होना, शब्द और शांति दोनों के परे चले जाना। अब इसका कैसा समझेंगे? शब्द के द्वारा प्रभावित हो गया, थोड़ा बहुत ये गड़बड़ हो गया तो गुस्सा आने लग गया। शांति के द्वारा प्रभावित होना माने क्या? हमेशा शांत शांत, कितना शांत है, आहा। फिर उसमें आसक्त हो गए, और जो शांति अशांति के परे है उसके लिए, जैसे आप लोग शांति अशांति के परे हो, कितना बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो संतो, भगवान कृष्ण के शब्द है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। परमात्मा समाहितः, परमात्मा मिल चुका है दो चीजें केवल, शीतोष्ण सुख दुःखेषु जितात्मनः। जीवन में आने वाले द्वंद्वों के द्वारा जिसके मन के संतुलन में कोई खोट नहीं आती, और मान अपमान के कारण जिसके मन की शांति भंग नहीं होती, उसको परमात्मा मिल चुके हैं। अब क्या साधना करोगे बताओ? ऐसे शांत जाके बैठना है जहां कोई डिस्टर्ब ना हो। आपको परमात्मा गारंटी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप शांति में फंसे हैं। देखो, मुझे पानी में डूब के नहीं मरना है, तो फिर क्या करेंगे? पानी में उतरेंगे ही नहीं, इसमें कौन सी खास बात है? क्या सूखे सूखे मर जाओगे? पानी में कूदना भी है लेकिन डूबना नहीं, संसार में रहना भी है लेकिन संसारी नहीं बनना, ये अध्यात्म है। ये तो पहाड़ों में गए, वहां आश्रम बनाया, घर में बीबी के साथ झगड़ा हो गया, बीबी मर गई, चले गए बाबा जी बनेंगे, चले गए पहाड़ों में, वहां बाबा जी का आश्रम बना लिया, क्यों पैसा तो था ही, तो आश्रम बना लिया। और फिर वहां जाकर के अब क्या करे क्या करे क्या करे, फिर वहां साधु बाबा पान बीड़ी शॉप। इसलिए रहना यही है, हमको इन सब के परे चले जाना है। कहते शुद्धम सत्वम ह्यविद्यायाः भागो विद्येति, इसको कहते हैं विद्या, तिष्ठन्ति ज्ञानिनो मुक्ताः यावत् देहं जगत्स्थितौ। तो जो ज्ञानी है, जो मुक्त है, वो ऐसे रहते हैं। देखो जो चले गए जंगलों में, पहाड़ों में, वहाँ आप कभी जा कर के देखो, ये सब बातें सीखने के लिए करनी है, किसी का मूल्यांकन करने के लिए नहीं करनी। आप पहाड़ों में चले जाओ जहाँ कोई नहीं जाता हो, दो चार मकान हो, वहाँ गए तो आपकी बड़ी आवाभगत होगी, आइए आइए आइए, कितने सालों के बाद हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है, इसके लिए खाना बनाओ, ये करो वो करो, क्योंकि वो कंपनी के लिए तरसते हैं। और दिल्ली वाले आ गया, देखो ये कंपनी से उब गए हैं। लेकिन साधु संत कौन होते हैं? आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः, यह जो स्थिति है यही स्थिति अध्यात्म है। इसीलिए कहते हैं तिष्ठन्ति ज्ञानिनो मुक्ता यावत् देहं जगत्स्थितौ,
जब तक दुनिया में तब तक के मस्त रहो, चुस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। अपने यहां विशेष एक बातें, विशेष करके माताओं की, बुढ़ापा क्या आ गया, इसे दुनिया पर उपकार किया है। अपने हेल्थ को मेंटेन रखो, एक्सरसाइज करनी पड़ती है 24 घंटे, अपना बहू बेटा, अरे राम राम राम, हेल्थ को ठीक रखना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, ये नियम लगा लो अपने पर, देखो कितना जीवन में परिणाम होता है। जहां हम सांस बन गए तो वो बहू की सांस जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक कि हमारी सांस नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ी साधना है, किसी से कुछ सेवा मत लो, तब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं तो उसी में आदमी फंसा रहता है। तो ये होने के पश्चात मूर्ख पिंड स्थावरादि तामस्य अवधिम गतः तत्र अमनस्त्वम अप्राप्तम मनस्वादपि चच्युतम। और ये तमोगुण की पराकाष्ठा क्या हो गई, कहते हैं स्थावरादि, ये जो ईंट पत्थर पहाड़ है ये तो तमोगुण की पराकाष्ठा है, वहां तो मन भी नहीं होता, मन को भी प्राप्त प्रकट नहीं होने देते। तो सुप्त पुर्यष्ट का यत्र चित स्थिता दुखदायिनी मुखांत जड़वत तत्र सत्ता मात्रे न तिष्ठति। तो ये जितना भी जड़ जगत है उसमें केवल सत्ता मात्र है, वहाँ ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ज्ञान नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। देखो एक ही तत्व जैसे बिजली, जब बल्ब होगा तो प्रकाश के रूप में प्रकट होगी, जब हीटर होगा तो गर्मी के रूप में प्रकट होगी। तो ये भिन्न भिन्न जो प्राकट्य है ये उपाधि के कारण है, बिजली के कारण नहीं है। इसी प्रकार से आप एक दीवार के सामने खड़े रहो तो उसमें आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, दर्पण के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब दिखेगा, आप तो वही हो ना। इसी प्रकार से कुछ उपाधियां ऐसी है जिसमें मन प्रकट हो सकता है, जिन उपाधियों में मन प्रकट हो सकता है उसको सजीव कहते हैं, सजीव माने जीवयुक्त। और जिन उपाधियों में मन प्रकट नहीं हो सकता उसको निर्जीव या जड़ कहते हैं। देखो दो व्यक्ति, एक मुर्दा एक जिंदा, तो जिंदा व्यक्ति कौन है, जो सजीव है उसमें मन प्रकट हो रहा है, और जो मृत देह है वो कौन है, वो निर्जीव है। इसीलिए जब मृत देह को रखते हैं पायर पर, चिता पर लग देते हैं और अग्नि लगाते हैं तो वो नहीं कहता यार ज्यादा ही गर्म हो गया, क्योंकि वहां जीवन नहीं है, माने जीवन की अभिव्यक्ति नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि यह मूकांत जड़वत तत्र सत्ता मात्रे न तिष्ठति। भगवान राम कहते हैं इस पर ये बड़ा सुंदर प्रश्न कहते हैं, सत्ता मात्रे न संस्थान मुक्ते हे सन्निहितम खलु। अच्छा अच्छा समझ में आ गया, भगवान राम कहते हैं सत्ता मात्रे न, केवल होना मात्र, यही तो रियलाइजेशन है ना। देखो कितना सूक्ष्म प्रश्न है, माने सभी ईंट पत्थर रियलाइज है, फिर उसमें हमें क्या फर्क है, कामो काम खाली पीली परेशान हो रहे। देखो इसके उत्तर में वशिष्ठ जी कहते हैं, बुद्धिपूर्वम विचार जैव यथा वस्तु अवलोकना सत्ता सामान्य बोधो यहां समोक्षो स्याद न अन्यथा। देखो बुद्धिपूर्व विचार एव यथा वस्तु अवलोकना, हमने चिंतन किया है, चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप को पहचाना है, उसमें निष्ठा प्राप्त हो गई है, और इसीलिए सामान्य सत्ता बोधाहा, दो बातें हैं, सामान्य सत्ता सब में है लेकिन इस सामान्य सत्ता का बोध है क्या, बोध माने अनुभव। तैतृ उपनिषद में आता है द्वितीय वल्ली में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म
यो वेद निहितं गुहायां परमेव्यो मन्न सो श्रुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा अनुपस्थितेति। जिसने ये सत्य ज्ञान आनंद ब्रह्म को आत्म रूप से पहचान लिया है, तो वहां के विश्लेषण में आता है जो सत है वही चित है, अलग अलग नहीं है। जब सत और चित अलग हो जाता है, सत्ता और ज्ञान जब अलग हो जाता है, तो वो संसार है, उसको मन कहते हैं। जिस ज्ञान में सत्ता और ज्ञान अलग नहीं है, उसी को आनंद कहते हैं। अब देखो अपना रोज का अनुभव, प्लेट में रसगुल्ला रखा है, सत्ता रखा है, रसगुल्ला है, ये सत्ता हो गई, और हमारी रसना जहां हम उसका अनुभव करते हैं वो ज्ञान हो गया, ज्ञान का स्थान। जब वो अलग है तो आनंद नहीं है, और जब वो एक हो गए, उसको प्लेट से हटाया और रसना पर रख दिया, तो एकदम आंखें बंद मुंह बंद एकदम ब्रह्मानंदम। कारण क्या है? वहां सत और चित का भेद खत्म हो गया। तो यह चेतन सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, जड़ सत्य की बात नहीं कर रहे हम। ये तो सभी पत्थर रियलाइज हो गए ना, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक विचार एव यथा वस्तु अवलोकनान सत्ता सामान्य बोधो या। देखो पत्थर को ये नहीं पता चलता कि मेरी मूर्ति बना रही है कि मुझे जमीन में गाड़ा जा रहा है। देखो महाराज, इसीलिए ये बात मन में ठीक कर ले, केवल सत्ता मात्र नहीं, सत्ता मात्र का भान, ये दोनों जब इकट्ठी हो जाती है तब उसी को कहते हैं मोक्ष, अन्यथा नहीं। परिज्ञाय परित्यागो वासनानाम अपेक्षते अंतःसुप्ता स्थिता मंदा यत्र बीजा इवांकुर वासना तत्र सुषुप्तम विद्धि जन्म प्रदम पुनः। नहीं तो क्या हो जाएगा कि जैसे गहरी नींद ले लो और रियलाइजेशन ले लो, दोनों में भी इच्छा नहीं है, लेकिन गहरी नींद में इच्छाओं के बीज रहते हैं, बीज नष्ट नहीं होते। सोने के पहले आपने संकल्प ले लिया सुबह उठ करके यहाँ अब दोसा बनाना है, तो रात भर दोसा बनाते रहोगे, क्योंकि वो बीज है वहां। व्यक्ति के यह जो बीज रहित अनुभूति है, जिस ज्ञान का कोई कारण नहीं है, इसीलिए न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा अभविता वान भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद में कहते हैं यह तत्व निर्मित रही है, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं, और इसको केवल आत्म रूप से ही पहचाना जा सकता है। इसीलिए परिज्ञाय परित्यागो वासना नाम अपेक्षते, इस ज्ञान को जानने के लिए यह मन के सभी संस्कार खत्म हो जाए। यदि मन ही नहीं तो संस्कार कहाँ से खत्म हो गए। इसीलिए स्थावरादया एते ही सुषुप्त पदमाश्रिता पेशा मंतस्थिता एव वासना बीज रूपतः। ये जो जड़ जगत है उसमें संस्कार बने हैं, वो अभी नष्ट नहीं हुए हैं। इसीलिए यत्रास्ति वासना बीजम तत् सुषुप्तम न सिद्धये निर्बीजा वासना यत्र तत्तुर्यम सिद्धिदम स्मृतम। तो जहाँ तक के हमारे मन में किसी भी प्रकार के संस्कार है बने हुए, तब तक के मोक्ष नहीं। और ये संस्कार कैसे होते हैं? ये संस्कार जैसे कपड़ों पर सलवटे होती है, सलवटे दिखती है होती नहीं, इसी प्रकार से संस्कार दिखते हैं होते नहीं। कैसे? बचपन से आप अभी तक देखो, बचपन में जो वस्तु अच्छी लगती थी वो अब अच्छी नहीं लगती, बचपन में जिसको महत्व था वो अब उसका महत्व नहीं है, बचपन में जो हमारी वैल्यूज थी वो अब नहीं है, ये बदलती रहती, क्योंकि वो है ही नहीं, ओनली अपियरेंस। इसीलिए जैसे जैसे इसको समझ लेंगे वैसे वैसे मन में वृत्तियों का आना ये रोग नहीं है, वृत्तियों के द्वारा प्रभावित होना ये रोग है।
जैसे आंखों से किसी को देखना ये रोग नहीं है, किसी को देखने के बाद उसके बारे में चिंतन करके राग द्वेष निर्माण हो करके दोस्त दुश्मन को निर्माण करना ये रोग है। देखो, नहीं तो ये इंद्रिय ही हमको फिर गुलाम बनाएंगे। तो यत्रास्ति वासना मिजम तसुषुप्त न सिद्धये, वासनाया तथा वन्य है ऋण व्याधि दिशा अपनी स्नेह वैर विषाणाम च शेष स्वल्पोपी बाधते। तो हमारे मन में थोड़ी भी वासना माने थोड़ी भी संस्कार रहे किसी भी प्रकार के राग द्वेष अपना पराया कुछ भी संस्कार रहे माने उस संस्कारों के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं तो हम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। संस्कार ही संसार का बीज है, संस्कारों से मुक्त होना यही अध्यात्म है। परमात्मा में कोई संस्कार नहीं है। हमारे गणेश जी गणपति बापा मोरिया, उनका जो गणपति अथर्वशीर्ष है उसमें आता है भगवान के जो नाम बताए उसमें एक नाम है ओम व्रातपतये नमः। व्रातपति माने मोस्ट अनकल्चर्ड वन। भगवान में कोई कल्चर नहीं है क्योंकि उनमें कोई विकृति नहीं है। संस्कृति की जरूरत उसको है जिसमें विकृति होती है। आप जमीन को साफ कर सकते हैं क्योंकि गंदी होती है, पानी को साफ कर क्यों गंदा होता है, अग्नि को साफ करके दिखा आपको साफ करके रख देगा। और आकाश को कोई ना गंदा कर सकता है ना कोई उसको साफ करने की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं निर्दग्ध वासना बीज सत्ता सामान्य रूपवान सदेहो वा विदेहो वा न भूयो दुखम दुख भाग भवे। इसीलिए जिसके अंतकरण की सभी वासनाएं बीज संस्कार निर्दग्ध हो गए ज्ञान के द्वारा, ध्यान से सुनना, जो वस्तु ज्ञान से निर्माण होती है उसका निर्माण नहीं होता, उसका प्रकटीकरण होता है। जो वस्तु ज्ञान अज्ञान के कारण नष्ट होती है वो नष्ट नहीं होती, उसका केवल अभाव होता है। जैसे रोज का उदाहरण, कई बार हम कोई वस्तु ले लेते हैं, अपने हाथ में चाबी होती है और ढूंढ रहे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई चाबी, और फिर कोई दिखाता है कि देखो आपके हाथ में है, तो क्या निर्माण करिए। देखो संतो, ये समय लेना है, जितनी समझ क्लियर हो जाएगी उतना आप सहजता से मस्त रहोगे। इसीलिए ये जो कहते हैं निर्दग्ध वासना बीज, तो ये अपने मन के जो इनको जलाना है। कैसे जलाना है? समझदारी की अग्नि से। और सत्ता मात्र सामान्य रूपवान, फिर हमने अपने आप को केवल अपना होने का जो भान है वो अपना स्वरूप है। हम सबको वस्तु का ज्ञान है, यह माइक है, यह कैमरा है, यह टेबल है। हमने सत्ता को हमेशा विशेष रूप से जाना है। सत्ता में विशेषता डाल दी तो माइक तैयार होगा, सत्ता में विशेषता डाल दी तो कैमरा तैयार हो गया, सत्ता में विशेषता डाल दी तो टेबल तैयार हो गया। विशेषता हटा दो, क्या सत्ता को मिटा सकते हो? इसी प्रकार से हमको फिजिक्स का ज्ञान है, मैथमेटिक्स का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, कि वो ज्ञान जिसमें कोई विशेषता नहीं है, जो निर्विशेष ज्ञान है। इसीलिए अपने जीवन से सभी विशेषताओं का त्याग करके जो निर्विशेष भान है वो अपना स्वरूप है। जानना नहीं, समझना नहीं, प्राप्त करना नहीं, खोने का डर नहीं। इस ज्ञान के अग्नि में यह सब चीजें
एकदम नष्ट हो जाती है। कहते हैं ऐसे जो संत है, सदेह हो वा विदेह हो वा, फिर चाहे वो शरीर को रखे या शरीर को ना रखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो हम लोगों की कैसी धारणा होती है, कोई एक महात्मा, देखो ये जो महात्मा है ना, इन्होंने पिछले 30 साल से कुछ खाना नहीं खाया, बड़े महात्मा हो गए, प्रकृति में फंसे है ना। जहां जहां प्रकृति को महत्व है वहां इसका बड़ा महात्म्य होता है। एक उदाहरण बताया आपको, हम वृंदावन अपने बद्रीनाथ में थे, वहां एक महात्मा जी थे, पता नहीं कहाँ है आजकल वो, बड़े लंबे चौड़े काले कलूटे लंगोटी पहनते थे, बाकी कुछ नहीं, इतनी ठंडक की हम लोग पूरी दुनिया ओढ़ के भी हू करते थे, वो मस्त रहे। और वहां अलकनंदा जी में जाकर के आराम से घुसेंगे, हम तो उसमें हाथ रखे तो पता नहीं बाहर आया कि वहीं रह गया, इतना ठंडा पानी वहां का। और ये आराम से हाथी के जैसा पानी में घुसेंगे और डुबकी लगाएंगे और ऊपर करके 2-3 बार लगाएंगे, बाहर आए, पूछना नहीं, तौलिया नहीं, कुछ नहीं। और जैसे आपने देखा होगा डॉग्स होते हैं ना, पानी से बाहर ऐसा ऐसा करते हैं ना, वैसा वो झटका मारते हैं और एकदम गज गति से आराम से जा रहे हैं। और सभी के सभी क्योंकि हमको बर्फ को देखने से ठंड लगती है और इनको कुछ नहीं लग रही, बड़े महात्मा हैं। और वही महात्मा दिसंबर के दिनों में हरिद्वार में जब आ जाते हैं तो उनको रहने के लिए आइस के स्लैब्स होते हैं, नहीं तो वहां उनको गर्मी होती है। मुझे ये बता, जो चमड़ी, जो स्किन, जो स्पर्शेंद्रिय गर्मी में गर्मी को समझ सकता है, जाड़े में जाड़े को समझ सकता है, वो नॉर्मल है? या जो जाड़े को समझ नहीं सकता, गर्मी को समझ नहीं सकता, वो नॉर्मल है? देखो जो आंखें देख नहीं सकती वो नॉर्मल है कि जो देख सकती है वो नॉर्मल है? हमको अपने इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है, लेकिन साधारण व्यक्ति ये प्रकृति में ऐसा फंसा है, ऐसे लगता है यही सब कुछ है। आत्मदृष्टि अदृष्टा अदृष्टा ऐसा संसार भ्रमदायिनी दृष्टा सती समग्राणाम दुखानाम क्षय कारिणी। इसीलिए यह जो आत्मदृष्टि है, यह यदि नहीं है तो संसार भ्रमदायिनी, फिर हम इस दुनिया में भटकते ही रहेंगे और हमेशा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे कोई हमको बचा नहीं सकता। तो दृष्टा सती समग्राणाम दुखानाम क्षय कारिणी, और यही हमने आत्मदृष्टि को जागृत किया तो जगत में सुख दुख आएंगे लेकिन आप सुखी दुखी नहीं होगे। ये कल्पना निकाल डालो मन से, हमने इतना भगवान का किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा आपको। हमारी कंप्लेंट मालूम है कैसी है? हमको ड्राइविंग लाइसेंस मिला और हम गाड़ी चला रहे हैं बेंगलोर में, पूरे देश में सबसे घटिया स्थान यदि कोई होगा तो बेंगलोर है। पहले बेंगलोर गार्डन सिटी हुआ करता था, अब वो गार्बेज सिटी है। डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म, तो वहां इतनी भीड़, इतना माने 2-2, 3-3 घंटे आपको एक जगह रुकना है, तो उसी में फंसे हुए हैं। तो कहते हैं वहां हम जा रहे थे तो हमारे मित्र गाड़ी चला रहे थे, वो थे बम्बई के और गाड़ी चला रहे बेंगलोर में, इतना गुस्सा कर रहे थे, देखो कैसे लोग आते हैं, बीच में आते हैं, बाइसाइकिल आती है, मोटरसाइकिल आती है। हाँ, हमने कहा यार तुम शांत तो हो जाए, ये बता ड्राइविंग लाइसेंस तेरे को है कि गाय भैंस को है? साधना कौन कर रहा है? साधना आप कर रहे हो, आप में समझदारी आनी चाहिए, दुनिया में नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस यदि हमको है तो हमको अपने गाड़ी पर कंट्रोल लाना है, दुनिया को नहीं। देखो लोग कैसे चलते हैं, लोग ऐसे ही चलेंगे। देखो ये
यदि आप यूपी बिहार में चले जाओ, वहां की गंदगी देख करके दुखी हो जाओ, तो आपको कोई सुख नहीं कर सकता। यूपी बिहार में जाओ, गंदगी में बैठो तो मौज में रहोगे, यूपी बिहार को कोई नहीं सुधार सकता। राम आ गए, कृष्ण आ गए, क्या किया? वही हाल बिहार का है। वहां भी बुद्ध आ गए, महावीर आ गए, वो भी भाग गए वहां से। देखो हमारे स्वामी नारायण संप्रदाय के जो मूल पुरुष है नीलकंठ जी, वो यूपी के है, लेकिन यूपी में उनको कहीं स्थान नहीं मिला, जाके गुजरात में टिके। देखो संतो, तो इनको क्या करें, सह लो। सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम, अपने मन के शांति को नहीं कष्ट नष्ट करना। अस्या वस्तु अदर्शनम यत् तद् अविद्या इति उच्यते बुधैः, अविद्या ही जगत हेतु तत् सर्वं प्रवर्तते। तो यह अपने ही स्वरूप का जो अज्ञान है, इसी के कारण यह संपूर्ण जगत निर्माण होता है। जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, वहां सब कुछ खत्म। और जगत का कारण क्या है? अविद्या ही जगत हेतु। दो प्रकार के जगत हमको शास्त्र बताते हैं, एक है ईश्वर सृष्टि, दूसरी है जीव सृष्टि। ईश्वर के सृष्टि में कहीं दुख नहीं है। पंच महाभूत है, क्या दुख है? ज्ञानेंद्रिय है, क्या दुख है? कर्मेंद्रिय है, क्या दुख है? स्त्री पुरुष है, कहाँ दुख है? दुख को कहाँ से शुरू हो जाता है? मेरी पत्नी, मेरी भाई, मेरा बेटा, मेरी सास, मेरी बहू, संसार शुरू। स्त्री का निर्माण भगवान ने किया, स्त्री दुख का कारण नहीं है, स्त्री दुखी भी नहीं होती। एक ही स्त्री से अब कितने पैदा हो गए देखो। उसी स्त्री को जब पिता देखता है तो वहां कन्या पैदा हो गई, अब कन्या की शादी के लिए बाप परेशान। देखो फिर उसी लड़की को पति देखता है पत्नी के रूप में, पत्नी को देख करके पति परेशान। अब उसी लड़की को पुत्र देखता है मां के रूप में, मां को आज तक कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया, वो भी दुखी। तो ये जो स्त्री है ये मस्त है, ये जो तीन कबूतर निकले हैं ये तीन दुखी हैं। देखो स्त्री से आप कन्या को अलग करके दिखाओ, पत्नी को अलग करके दिखाओ और मां को अलग करके दिखाओ, कहीं नहीं है ये, और यही दुखी है। कोई सो रहा हो तो आप जगा सकते हो, कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो कैसे जगाओगे? हम सभी के सभी सोने का नाटक कर रहे हैं, इसीलिए महात्मा लोग हमारे चक्कर में नहीं पड़ते। कुछ बात नहीं, इसको एक आदत हो गई। आदमी को हर चीज़ की आदत हो जाती है, जिसको जिसको कहते हैं तकिया कलाम, जिसको खुजलाने की आदत हो गई ना, उसे मजा आने लगता है, बाद में दुख नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।